औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने इसे बहुत तसल्ली दी, लेकिन वो बच्चों की तरह रोने लगा। वो जिहाद पर जाने की हसरत अपने साथ ही ले गया, लेकिन इसके पहलू में एक मुजाहिद का दिल था। वो मौत से नहीं डरता था, लेकिन ऐसी मौत इसे पसंद न थी। जहीर ने बात ख़त्म की और दोनों एक गहरी सोच में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे और मौज्जिन दुनिया वालों की ख्वाब गफलत से बेदार करके नमाज में शरीक होने का खुदाई हुक्म सुना रहा था। ये दोनों इस हुक्म को बजा लाने की तैयारी कर रहे थे कि किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। जहीर ने दरवाज़ा खोला तो सामने सईद सर से पांव तक लोहे में ढका हुआ घोड़े पर बैठा था। सईद घोड़े से उतरा और जहीर ने बढ़कर इसे गले लगा लिया। सईद और जहीर बचपन के दोस्त थे। इनकी दोस्ती सगे भाइयों की मोहब्बत से भी ज़्यादा बेलूस थी। दोनों ने एक ही जगह तालीम पाई थी, एक ही जगह फनों ने सिपहगरी सीखे थे और कई मैदानों में दोस्त बदोस्त लड़कर अपने बाजुओं की ताकत और तलवारों की तेजी के जौहर दिखा चुके थे। जहीर ने सईद की इस तरह अचानक आने की वजह पूछी। मुझे वाली केरोन ने आपकी तरफ भेजा है। खैर तो है? नहीं, सईद ने जवाब दिया। अफ्रीका में बगावत नहायत सरअत के साथ फैल रही है। अहले रोम जाहिल बर्बरियों को उकसा कर हमारे मुकाबले में खड़े कर रहे हैं। इस आग का को फर्द करने के लिए ताजा दम फौजों की ज़रूरत है। गवर्नर ने दरबार खिलाफत से चिल्ला चिल्ला कर मदद मांगी है, लेकिन वहाँ हमारी आवाज़ कोई नहीं सुनता। नसरानी हमारी कमजोरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर इन हालात पर काबू न पाया गया तो हम इस वसी खत्ते ज़मीन को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। गवर्नर ने मुझे आपके पास भेजा है और आपके नाम ये खत दिया है।